सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको कैसे एक डोमेन और होस्टिंग बाय करनी है। प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एहसान दानिश। आज हम बात करेंगे दो टॉपिक्स के अबाउट कि आपको डोमेन और होस्टिंग बाय करने से पहले क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी चाहिए, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको कैसे एक डोमेन और होस्टिंग बाय करनी है। प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से सारा प्रोसेस है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ पॉइंट्स मैंने गैदर किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपको कंसीडर करने डोमेन और होस्टिंग बाय करने से पहले। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी वेबसाइट की नीड्स पता होना चाहिए। आपने किस तरह का डाटा उसके ऊपर रखना है, वीडियोस रखना है, ऑडियो रखना है, टेक्स्ट रखना है, या आपकी वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आने वाले हैं, आपकी वेबसाइट कितना कंटेंट रख सकती है 100 GB। तो आपको अपनी वेबसाइट की एक्चुअल में नीड देखनी है कि आपने कितना डाटा रखना है और अपनी वेबसाइट को किस लेवल पे लेके जाना है, राइट। दूसरा जो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास वो है अप टाइम, राइट। अप टाइम बेसिकली क्या है? अप टाइम ये है कि आपका जहाँ से आप होस्टिंग बाय कर रहे हैं, राइट, उनके पास वो सर्वर्स हैं जहाँ पे आपका डाटा अवेलेबल है, और वहाँ से जब भी कोई बंदा डोमेन कॉल करता है तो वहाँ से हमारी जो डाटा है उस होस्टिंग के ऊपर वो उठ के उसके सामने आ जाता है, राइट। अब अगर वो सर्वर ही बंद हों तो हमारी वेबसाइट भी ऑटोमेटिकली डाउन चली जाएगी। तो इसे कहते हैं कि अप टाइम उस वेबसाइट का, उस होस्टिंग का, उस सर्वर का अप टाइम 99.99% होना चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ताकि वो अगर वो हमेशा चलता रहना चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट हमेशा चलती रहे जब तक आप उसका रेंट पे कर रहे हैं, राइट। तो इसे कहते हैं हम अप टाइम। मेक श्योर जब भी आप प्लान लें तो वहाँ पे लिखा होता है कि अप टाइम इसका इतना है, अप टाइम 99.9% है, अगर इससे कम है तो आपने वो होस्टिंग नहीं लेनी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है इंश्योर रिलायबल कस्टमर सपोर्ट, कि आपने उसकी कस्टमर सपोर्ट देखनी है कि क्या वो कॉल पे अवेलेबल है, चैट के ऊपर अवेलेबल है, या आप उसको उनको सिर्फ मेल कर सकते हैं, या उनका कस्टमर सपोर्ट ही नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम आपकी वेबसाइट डाउन चली जाती है, होस्टिंग का इशू आ जाता है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके उसको फिक्स करवा सको इमिडिएटली। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है लुकिंग फॉर साइबर सिक्योरिटी फीचर्स, कि आपको देखना चाहिए कि आपका जो सर्वर है वो अच्छा सिक्योर है, उनकी वेबसाइट जो है, उनकी जो वो प्रोवाइडर्स हैं वो रेपुटेड हैं, जो मैंने आपको प्रोवाइडर्स बताए ब्लू होस्ट, नेमचीप, होस्टिंगर, ये सारे रिलायबल हैं और ट्रस्टेड हैं, राइट। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन होना चाहिए वो होस्टिंग आपकी रेगुलर बैकअप दे, इन केस आपकी वेबसाइट हैक हो जाती है या डिलीट हो जाती है आपसे, उसमें कोई ग्लिच आ जाता है गलती से, तो आपके पास उसका बैकअप वो होस्टिंग आपको प्रोवाइड करे। और उसके बाद ऑब्वियसली बात है SEO ऑप्टिमाइज सर्वर्स होने चाहिए, वो भी आपको जब बाय करते वक्त वहाँ पर प्लान्स में लिखा होता है, तो वो सारी चीज़ें देखनी, आपने उनका डिटेल एनालिसिस करना है। और सबसे ऑप्शन यानी इम्पोर्टेंट बात है कि वो रीज़नेबल प्राइसिंग में होना चाहिए, रीज़नेबल प्राइसेस होने चाहिए, जो आपका बजट है उसके अंदर मैनेज होने चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमें जो है अपना होस्टिंग प्लान बाय करने से पहले इन सारे ऑप्शंस को देखना चाहिए, राइट। तो आई होप आपको समझ आई होगी कौन कौन से ऑप्शंस आपको चूज़ करने चाहिए, आपको देखने चाहिए एक राइट होस्टिंग और डोमेन परचेज करने से पहले। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और उसके अंदर हम बात करेंगे कि हमने एक्चुअल में डोमेन और होस्टिंग किस तरह से परचेज करनी है, और परचेज करने के बाद आपके पास क्या कुछ आएगा और जिसको आपने मैनेज करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।